हाय स्टूडेंट्स, मुन्ना सर एडुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स का थर्ड वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन सर्वे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जितने जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आती है, हर सब सब टाइप को हम लोग आज करेंगे। ओके, तो चलते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखो, ए इज इक्वल टू दिया हुआ 2 माइनस 1, -1 और 2, ए स्क्वायर -4a+3 इज इक्वल टू 0, वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स और ऑर्डर 2, देन फाइंड ए इनवर्स। ये 2016 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन ईजी है क्योंकि ये दिया हुआ है और ये भी दे दिया है, इसको प्रूफ करने नहीं बोला, यहाँ दिया हुआ है, डेट्स वाई। कैसे करेंगे इसको, इसको देख लेते हैं। ओके, पहले तो ये दिया हुआ है, ए 2 माइनस 1 -1 2, इसको निकालने का जरूरत नहीं, अगर प्रूफ करना होगा तभी निकालना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं क्योंकि प्रूफ करने नहीं दिया हुआ। ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और -1 2, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, करना क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, क्या दिया था इन्फॉर्मेशन मेरे पास, इन्फॉर्मेशन था कि ए स्क्वायर -4a+3i। इस क्वेश्चन को इसी तरह पर लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 3i वाले को एक तरफ रखना, बाकी ये को इसको उस तरफ ले आना। तो क्या होगा, 3i रखे, इसको देखो ये इधर आया तो -4i था, प्लस हो गया और ये इससे हो गया। अब इसके बाद क्या है कि तुमको पता, ए का जगह ए आई जो होता है ए होता है, ए आई जहाँ रहता है वो ए होता है, दैट्स वाई हम ए का जगह ए आई लिख दिए, ए का जगह ए आई लिख दिए। ठीक है, अच्छा बाकी को इस साइड ले आया, लाने के बाद क्या हुआ, ये देखो ठीक से कि ये 3i को इस साइड लिख, फिर इसको पलट के लिख दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो 3 था इसको नीचे ले आए, सिंगल आई बनाना है हमको, ये 3 को नीचे ले आए तो 1/3 और ये 4i-a, क्योंकि ए कॉमन ले लिया गया इसमें से, तो ये 1/3 4i-a। यानी एक फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है याद रखना, ए ए इनवर्स इज इक्वल टू वाई। दूसरे चैप्टर में इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका और एक भी है, लेकिन फिर इसको इस तरह से निकाला जा सकता है, ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। तो यहाँ पे देखो, ए ए इनवर्स आई मतलब ए के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हुआ होगा, आई कब आएगा, जब ए के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ हो, इसका मतलब ये किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर। इसीलिए फॉर डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या लिखते हैं, ए इन्वर्स किसके बराबर होगा, 1/3 4i-a। समझ में आया, ये टेक्निक तो याद रखना। ठीक है, ये अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो 1/3 4 अगर ले लिए, आई का जगह तुमको पता यूनिट मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 ले लिए, माइनस ए का वैल्यू दिया हुआ था लिख दिए। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या किए, इस 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, 4 साथ मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये क्या हुआ, 4 × 2 हो गया, ये देखो जिस तरह जैसे था वैसे ही है। अब इसको क्या कर, दोनों को जस्ट घटा दिया गया, माइनस कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया हम, देखो 4 2 2 हो गया, 0 -1 मतलब +1 तो 1 हो गया, 0 उसके बाद -1 तो 1 हो गया, 4 -2 2 हो गया। ठीक है, ये आ गया, ए वाला हो गया ए इनवर्स। क्लियर, इसी सवाल को दूसरे तरीके पर निकाला जा सकता है, एडजॉइंट के जरिए ए इनवर्स, वो बाद में भी देखा जा सकता है। ठीक है, दो दो तरीके से बनाया जा सकता है। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक्सप्रेस मैट्रिक्स टाइप 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 क्या है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए दिस एज अ सेम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी 2016 में आया हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहे। क्या करना है, पहले पहले देखो, ए दिया हुआ था -3 4 1 2 3 4 0। ठीक है, अब क्या हमको ए ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना, तो जानता है क्या होता है, रो कॉलम हो जाता है, कॉलम रो हो जाए, देखो -3 4 1 रो था, देखो कॉलम हो गया, है ना, लिख दिया गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, इस क्वेश्चन में करना है कि पहले 1/2 a+at निकालना है, क्या 1/2 a+at निकालना है। ठीक, चलो 1/2 a का जगह तो पता है ये लिख देंगे, +at का जगह ये है, ए ट्रांसपोज का जगह लिख दिए। अब करना क्या, इन दोनों को जस्ट ऐड कर देना है, देखो इन दोनों को ऐड किया तो ये वाला है, आने के बाद देखो 2 यहाँ पे बाहर में था, जस्ट इसमें क्या कर दिया, इन टू कर देगा तो कट गया वाला, 3 3 3 3 1 1 1 2 5 आ गया। ओके, अच्छा अगेन अगेन क्या करना है, फिर एक बार माइनस निकालना है, 1/2 a-a ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो 1/2 इस तरह ए लिख दिया -a ट्रांसपोज। ठीक है, फिर उस तरह इन दोनों घटा दिए, तो ये आ गया, अब 1/2 से इंटू कर दिए, ये वाला आ गया। क्लियर, इस तरह से पहला काम है कि a+a ट्रांसपोज और a-a ट्रांसपोज 1/2 के साथ निकालना है। देखो फॉर्मूला हम दिए थे सम ऑफ में, क्या था कि ए इज इक्वल टू 1/2 a+a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a-a ट्रांसपोज होता है, बस इसको सजा के लिख देना है, ए का जगह जो था ये लिख देना है, a+a ट्रांसपोज का जगह लिख देना है, a-a ट्रांसपोज जगह लिख देना, हो गया प्रूफ। ठीक है, इस तरह का बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हर साल लगभग आता है। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में।
थर्ड क्वेश्चन क्या दिया देखो, दिस दिया हुआ इज ए प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब प्रूफ करना है, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई, कभी अगर दे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई प्रूफ करो, मतलब प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हम पहले भी प्रूफ को दिए भी हैं कंडीशन को, ठीक है। मैंने आपको क्या प्रूफ करना है, ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई प्रूफ करना है 3 नंबर में, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, पहले वही क्वेश्चन दिया हुआ था ए का, ठीक है। अब ए देने के पहले हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, तो हम क्या ए ट्रांसपोज निकालते, 1/3 एज इज रख दिए, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिए, ओके। बनाने के बाद क्या हुआ, अब ए ए ट्रांसपोज को आई प्रूफ करना है, इसको लेके चलते हैं। ए का लिख दिए, ट्रांसपोज लिख दिए, 1/3 इंटू एज यूजल इंटू होने के बाद, इसके बाद क्या किया गया, जस्ट इसके साथ इस ए वाले को इंटू किए, ठीक है। तो वो पता है पहले रो के साथ कॉलम होता है, फिर रो के साथ ए वाला हुआ तो ए वाला है, फिर रो के साथ ए वाला तो ए वाला हुआ, फिर दूसरे रो के साथ इसका गुना हुआ, ठीक है, तो ये आया, फिर दूसरे रो का तो इसका हुआ तो ये वाला आया, तीसरा के साथ ये वाला हुआ तो इसका हुआ, क्लियर। अच्छा अब सब ऐड उड कर दिए, करने के बाद कितना है ये 9 0 0, ठीक है, सब आ गया। अभी 9 1/9 इसको इंटू कर दिए, तो क्या हो गया, सब में 1 1 1 आ गया। देखो यूनिट मैट्रिक्स आ गया आई, जैसे ही आई हो गया ये ट्रांसपोज इक्वल आई प्रूव हो गया, मतलब लिख सकते हैं इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, चार नंबर देखो, दिस दिया हुआ सो दैट तुम्हारा एस का मैं 5 + 5 = 2, ये भी इसको भी प्रूफ करना, ये भी निकालना, यानी आगे का तरह ही है एक नंबर क्वेश्चन का तरह, लेकिन इसमें ये वाला भी अलग से प्रूफ करना है, ठीक है। तो 17 में वाला आया हुआ है, ठीक, इसको देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, देखो इस तरह क्वेश्चन पहले हम ये दिया हुआ, सबसे पहले स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, दो बार इंटू ए कर देना, दोनों को इंटू कर देना, इंटू करके स्क्वायर आ गया। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना था, चलो प्रूफ करो, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर -5a + 7i2। अब देखो ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिए, -5 5a का जगह ए लिख दिए, 7i2 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स का, 1 0 0 1 लिख दिए, ठीक है। सबसे पहले क्या काम, सबसे पहले तुमको ये 5 जो बाहर था इसको इंटू कर दिए, ठीक है। इंटू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप वो सामने से आना, इन दोनों को माइनस करना, इन दोनों को माइनस करके लिख दिए, ये एज इजल रह गया, फिर लास्ट में इन दोनों को प्लस कर दिए तो 0 0 आ गया, मतलब 0 हो गया प्रूफ। अच्छा उसके बाद वो जो आगे का कंडीशन से ही ए इन्वर्स निकालेंगे अभी, ठीक है। क्या है, ए स्क्वायर -5 लिख दिया, आई वाले इधर रखे, इसको इस साइड लिख दिए, ए का जगह ए आई लिख दिए, लिख के पलट दिए, ठीक है। इसमें क्या कर दिए, ए कॉमन ले लिए, ठीक है, 7 नीचे ला दिए, 1/7 5i2। अभी ये कंडीशन लगा दिए, ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, अगर लगाने के कारण तो ए इन्वर्स इक्वल क्या होगा, ए वाला बीच वाला हो ले लिए, बस 5 का जगह 5 लिख दिए, i2 का जगह लिख दिया 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स है, ए का जगह लिख दिया गया 5 से इंटू हो गया, ए वाला आ गया। इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ जस्ट इसको हम दोनों को माइनस कर दिया गया, माइनस करने से ए वाला आ गया, क्लियर। ए इन्वर्स निकालने का तरीका याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर में क्या दिया हुआ देखो, 5 नंबर में ए दिया हुआ है तुम्हारा, और जो है बोला है कि ए स्क्वायर 8a + ki देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये 2018 में आया हुआ, के का निकालना है। अब थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं क्या करना है। पहले इस क्वेश्चन ए दिया हुआ था सिमिलरली, हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए के साथ इंटू करके निकाल दिए, निकालने के बाद क्या, अगर जो कंडीशन दिया उसको लेंगे, ए स्क्वायर को 8a + ki, ए स्क्वायर जगह लिख दिए हैं 8, ए का जगह ए लिख दिए हैं, के का जगह लिख कर आई जो है लिख दिए, उस दोनों को क्या, ये जैसे था ऐसे ही रख देना, इसमें 8 पहले मल्टीप्लाई किए, इसका के मल्टीप्लाई किया, दोनों को प्लस कर दिए, तो ये आया। अपन को पता है दोनों के इक्वल है, इक्वालिटी का रूल्स लगा दिए, हमको पता है इस ये इसके बराबर होगा, यानी 8 + k = 1, 56k + k, यानी ये भी यहाँ से भी के का माइनस आया, यहाँ के के का माइनस, यानी के का वैल्यू क्या हो गया, -7, ओके, 2018 में था। नेक्स्ट, अच्छा अब चलते हैं फिर 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में देखो फिर से वही, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक, ये भी 2018 फिर देखो इसको, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक में ही तुमको तुम्हारा ये हो ही जाएगा, पहले भी हम इस तरह कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी हम दिखा दे रहे कैसे क्या कर, फिर एक बार है। क्या है देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या है, ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकाले, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिए, फिर क्या निकालना हमको, ½a + a ट्रांसपोज चाहिए, सो ½a + a ट्रांसपोज ले दिए, हाफ लेकर ए और ए ट्रांसपोज ले दिए, जस्ट उनको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 1/2 था, इसमें इंटू कर दिए, इतना आ गया। फिर हमको क्या चाहिए, a - a ट्रांसपोज चाहिए, सो हम a - a ट्रांसपोज भी निकाले, हाफ लिख कर a - a ट्रांसपोज, ठीक है, दोनों को माइनस कर दिए, इतना आया, 1/2 से इंटू करते वाला आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जस्ट इसको हम लोग को मोड़ देना है, ठीक। अब क्या करना है, a = 1/2 a + a ट्रांसपोज, हाफ में a का जगह बैठा दिया, a + a ट्रांसपोज, a - a ट्रांसपोज जगह बैठा दिए, क्लियर हुआ, हो गया प्रूफ। अच्छा अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे, देखो
ए और बी दिया हुआ, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स वेयर दिस, ये दे दिया है, इसमें से एक्स निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये किस में आया, 2019 में आया हुआ, तो 2019 में आया हुआ। ठीक है, देखते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, ये क्या करना है, देखो इसमें क्या 2a + 3sb = 5b था, अब एक्स को निकाला तो इसको इस साइड रख दिए, इसको इस साइड ले आए, अब एक्स लिख कर 1/3 इधर ले आए। अब देखो जस्ट सिंपल इजी कर दिए, क्या है 5b का जगह दिया हुआ था बैठा दिए, 2a का जगह दिया था बैठा दिए, अब क्या क्या 5 से इंटू कर, 2 के साथ इंटू कर दिए, इनको दोनों क्या कर, जस्ट इसको माइनस कर दिया, आ गया 1/3 था, इसके साथ इंटू कर दिए, आ गया। इजी क्वेश्चन है। अच्छा, आठ नंबर, आठ नंबर क्वेश्चन क्या दिया, देखो ये दे रखा है, ये भी 2019 में आया, फाइंड है, हालांकि ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है, क्यों देखो सीधा लाइन टना हुआ है, ये गलती से इसमें आ गया, फिर भी हम बता देते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, मतलब डिटर्मिनेंट मीन्स यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है कि डायरेक्ट ले लेंगे, डिटर्मिनेंट के जरिए बनाना पड़ेगा, फिर हम बना दे, देख लो डिटर्मिनेंट में रूल्स थोड़ा सा अलग है, क्या है, क्या होता है, ऐसे माइनस ऐसे, ध्यान रहे ऐसे माइनस उसके बाद ये वाला कर देना है। ठीक है, अच्छा कैसे, देखो ये इंटू के 10 माइनस, देखो इधर से आया 12, हो गया किस तरह, देखो क्या है 5x - 6x, क्लियर, घटा गया क्या -2, अरे वाला -x कट गया x। ठीक है, वही अगर मैट्रिक्स आता तो इक्वलिटी रूल्स अपना सकते थे, डिटर्मिनेंट में इक्वलिटी अपना नहीं सकते हैं। ओके, अच्छा अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या दिया, देखो ए इज इक्वल टू दिया हुआ, देन सो दैट दिस इज इक्वल टू 0 प्रूव करें, बहुत ईजी है, इस तरह काफ़ी कर चुके हैं, फिर भी हम दिखा देते हैं, आया हुआ 2019 में। ओके, पहले क्या करना, हमको ए स्क्वायर निकालना है। अच्छा, ए स्क्वायर इक्वल ए इंटू ए, तो दोनों को इंटू कर दिए। ठीक है, ए इंटू ए लिख कर दोनों को इंटू के, इंटू करने के बाद ये वाला आया, अब हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसी को लेकर प्रूफ करना है। ठीक है, चलो उसको लिख दिया गया, ए स्क्वायर -4a - 5a, इसका जगह ए स्क्वायर का लिख दिया, ए का जगह ए लिख दिया, आई का जगह यूनिट मैट्रिक 3 cos 3 में लिख दिया गया, बस पहले क्या जैसे था इसलिए इसको 4 से इंटू कर दिए। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या, पहले इसके साथ इसको माइनस कहे। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकता है, दिस माइनस दिस। ठीक है, एक एक करके भी करना, तो घटा के 0 0 0 0 आ जाए, 0 प्रूव होगी। ओके, अच्छा अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन। 10 नंबर जो क्या दिया, ये भी 2019 में आया हुआ है, ये कैसे होगा, देखो ए का दिया थोड़ा चेंज है, ए दिया हुआ है इतना, बी दिया है इतना, a8 = 128b तुमको प्रूव करना है। ओके, देखो पहले क्या करना है, बी दिया हुआ था तो तुमको बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी की, दोनों को इंटू के, इंटू करने का मेरे पास ये आया, यानी मतलब बी ही है, यानी 2b हो गया, यानी बी स्क्वायर जो है 2b के बराबर है। ठीक है, पहला काम तो ये करना, नेक्स्ट काम क्या है, उसके बाद ए दिया हुआ था, ए इज इक्वल इतना दिया हुआ था, इसमें देखो आई कॉमन ले लिए तो क्या होगा, 1 - 1 - 1 ये हो गया। अच्छा, अब मेरा दिया हुआ था, देखो ये देखो आई, ये देखो बी के बराबर है, इसका जगह बी लिख दिए, मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू आई बी, हम क्या बोथ साइड 8 को पावर में ले लिए, इसमें भी ले लिए, इसमें ले लिए, क्योंकि 8 वाला प्रूफ करना था हमको, तो 8 इधर भी 8, तो ये लग क्या हो जाए, i8 b8 है, इधर का तो ठीक है, अब इधर को एक एक करके बनाते जाते हैं। i8 तुमको पता है i² - 1 होता है, तो जितना बार तुम्हारा इवन नंबर रहेगा वो तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब ये i8 2 1 हो गया। ठीक है, अब 8 को ठीक है, अब ये इसको हम स्क्वायर का 4 लिखे, क्योंकि बी स्क्वायर जगह 2b मेरा आया था, बी स्क्वायर लिखने के लिए हम 2b लिखे, 4 लिखे, फिर ये 16 हो गया, फिर b4 आया, फिर b4 को बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखे, फिर 2b लिखे, फिर एक को 4 बाहर आया तो 64 हो गया, फिर बी स्क्वायर आया, फिर बी स्क्वायर जगह 2b लिखे, तो गुना होगा 128b। समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन से, क्लियर। अच्छा अब चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या करना है, कि 2a + b t = this, 2b + a t = this, देन फाइंड द मैन वैल्यू मैट्रिक्स की, 2020 में आया है, थोड़ा सा चेंजेज है, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, इसको करते हैं। ओके, सबसे पहले करना क्या, 2a + b t दिया हुआ था, 2b + a t दिया हुआ था, अब ये जो था इसको हम लोग लेके ठीक करेंगे। ठीक है, अब क्या करना, देखो हम जानते हैं एक तो फॉर्मूला, a + b t = a t + b t, इसी का रूल्स का अपना है, यानी ये जो था इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे इज इक्वल टू, ये जो था बोथ साइड हम ट्रांसपोज ले लिए। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में इसका भी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लिए। अच्छा तुमको देखो ए प्लस जो भी है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का ट्रांसपोज, मतलब क्या होगा, जिसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज होगा, ये जो जैसे था ऐसे ही है। अब देखो 2b ट्रांसपोज, तो ठीक है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो क्या होता है, ए हो जाता है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिए, ए हो गया इक्वेशन 2। यहाँ तक समझ में आया, अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, इतना ही थोड़ा सा ये चेंजेस किया हुआ था। अब जस्ट बहुत इजी है, इन दोनों क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख दो, 2 से इंटू कर दो, इंटू करने से क्या हुआ, ये हो जाएगा 4a + 2b2, जैसे 2 का ये वाला आ जाएगा, 1 के साथ ये वाला क्या हुआ,
जस्ट सिंपल वैसे ही ए और टू आ गया, दोनों माइनस किया तो यहाँ थ्री आ गया, ये कट गया, यानी थ्री इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ठीक है, तो थ्री इज इक्वल टू दोनों का माइनस हुआ, दोनों माइनस करके ये आया, अब थ्री इधर आया 1/3, थ्री सर इंटू कर दिया वाला। ओके, 2020 में थोड़ा सा चेंज हुआ था। ओके अच्छा, हैंडशेक को जरा तुम चेंज करो, थोड़ा यार डिस्टेंस मेंटेन करो, सलाम नमस्ते हंसते हंसते सारे बोलो।